चले भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। आप लोग ध्यान रखिएगा बाजार की चाल पे। शेप अच्छा आ रहा है, आप देख रहे हो, एक डायमंड शेप है। रिलीजेस के बीच बजाज फाइनेंस आम के स्टेलर आईपीओ रिस्पांस के चलते, वरुण बेवरेजेस आज एक्स डेट के चलते, इंटरग्लोब एविएशन के सीईओ की बड़ी इंटरेस्टिंग और एग्रेसिव कमेंट्री के चलते, अदानी पोर्ट्स के केपेक्स अनाउंसमेंट, टाटा स्टील को फंडिंग मिलती हुई पोर्ट टैलबॉट के लिए यूके सरकार से, विप्रो अपने एक ऑर्डर का अपडेट देता हुआ, HPCL IOC दोनों खबरों के चलते, इस बार क्रूड प्ले नहीं, दोनों के अपने अपने न्यूज पैक्स हैं, इसीलिए रूट मोबाइल क्योंकि प्रमोटर्स माल छोड़ रहे हैं और OFS के थ्रू छोड़ रहे हैं, आज नॉन रिटेल की बारी है तो हो सकता है आज शायद लाल में रहे, इसीलिए इसको मैं इकलौता स्टॉक रेड में मेंशन कर रहा हूं। अच्छा, बहुत सारे ग्रीन में है, तो एक तो स्टील कंपनी पे आज रडार पर रखिए, सेल, JSW स्टील, JSPL, टाटा स्टील भी डाल लीजिए क्योंकि खबरें अच्छी है। एंटी डंपिंग ड्यूटी एक टैरिफ लगा दिया गया 12-30% तक अलग अलग प्रोडक्ट पर सरकार ने, क्योंकि चीन और वियतनाम से डंपिंग हो रही थी, तो ये अच्छी खबर इन लोगों के लिए। होनासा में आज एक ब्लॉक डील, काफ़ी बड़ा हिस्सा बेचने जा रहे हैं 8% डिस्काउंट पे, तो इसलिए इसको रेड में रखा है। लेमन ट्री ने एक और होटल ले लिया भाई, अभी पुणे में फिर से 117 कमरे का एक होटल लीज साइन कर ली इन्होंने। गुजरात फ्लोर ने एक नई सब्सिडी फॉर्म की है जो जर्मनी में EV कंपनी के लिए केमिकल सप्लाई करेगी। GT&D को 2 कॉन्ट्रैक्ट मिले, एक दुबई से और एक फ्रांस से, करीब 150 मिलियन यूरो के। कैस्ट्रॉल ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया इसलिए रखा इसको। प्रीमियर एनर्जीज में अभी लिस्टिंग हुई थी लेकिन अब ये आ रही कि बहुत सारे सीनियर ऑफिशियल्स सप्लाई दे रहे हैं, माल बेच रहे हैं। और कल्याण ज्वेलर्स में HSBC की रिपोर्ट है, 800 रुपये का टारगेट इसमें दिया गया है। काफी हद तक खराब मार्केट को हम बचा के जा रहे हैं। अब अगर कल सुबह हम उठे और डाउ जोन्स 250-300 पॉइंट डाउन है, उतना हमने बचा लिया है। अगर उससे कम गिरा या US मार्केट में भी रैली आ गई सेकंड हाफ में, पॉसिबल है, हो सकता है, तो शायद कल तेजी भी हो जाए मार्केट में, ये भी पॉसिबल है। और मार्केट में शॉर्ट्स हैं इस समय, तो कल एक परफेक्ट मौका रहेगा शॉर्ट कवरिंग का। अग्रेसिव ट्रेडर अगर आप हैं तो अगले हफ्ते के कुछ कॉल ऑप्शंस जमा कर सकते हैं, क्योंकि अगेन रिस्क रिवॉर्ड की बात है। जैसा आपने बोला 20 डेमा 24,750 काफ़ी क्लोज हैं हम क्रूशियल लेवल्स के, तो वहां पर अगर सपोर्ट दिख गया मार्केट को अगले हफ्ते की 25,000 की कॉल जो करीब करीब 130 रुपीज़ पर है 19 सितंबर की, वो उस पर आप एक पंट ले तो अगर उसका पैटर्न मुझे अच्छा लग रहा है। निफ्टी का भी मुझे ना जो लास्ट के 10 मिनट है ना हश्ता, उसका पैटर्न अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मार्केट शायद फंसा देगा शॉर्ट्स को। तो ये है आवाज़ देखने का फ़ायदा कि कल आपको आखिरी घंटे में, आखिरी कुछ मिनटों पहले बता दिया गया था कि शॉर्ट मत करिएगा, लॉन्ग करने में ज़्यादा फायदा, क्योंकि US घूम गया, तो अनुज जी ने पहले बता दिया था ये होने वाला है और एग्जैक्टली वैसा हुआ। कल जो डाउ का चार्ट बना था, S&P का चार्ट बना, तो किसी ने ट्विटर पे लगा कि देखो ये हॉकी जैसा बना ना, आज कुटाई होगी सेलर्स की। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।